पूरे देश में लोकतंत्र का जश्न चल रहा है और कुछ जगहों पर 5 साल के लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषकों, सोशल मीडिया, राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं, सट्टेबाजों और पत्रकारों ने इस बात को लेकर दावे प्रतिदावे किए हैं कि जीत किसकी होगी। इसमें वे ज्योतिषी भी पीछे छूट गए हैं जिन पर आम नागरिक भरोसा करते हैं। दरियापुर के ऐसे ही उच्च शिक्षित निवासी प्रसिद्ध वास्तुकार और अंकशास्त्री योगेश पनपालिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 1 मिनट का वीडियो भी वायरल किया है और अपने अमरावती लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी की है। इसमें उन्होंने एक मशीन का इस्तेमाल किया जो की कामधेनु मशीन है, जिसमें महायुति उम्मीदवार है। वही अमरावती लोकसभा चुनाव को लेकर योगेश पनपालिया ने भविष्यवाणी की, जिसमें क्या नवनीत राणा जीतेंगे इस प्रश्न पर उनकी मशीन 75% हाँ देती है और उनकी मशीन ने संकेत दिया है कि प्रहार के दिनेश बूब 70% और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े 100% जीतेंगे। इसके अलावा दिनेश बूब की उम्मीदवारी का वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्योंकि मशीन ने संकेत दिया है कि निवर्तमान खासदार नवनीत राणा को उनकी उम्मीदवारी का 100%। 2024 लोकसभा चंद्रपुर के लिए नए कैंडिडेट में से सुधीर जी मुनगट्टीवार बीजेपी वाले इस साल नए खासदार रहेंगे क्या, तो खुल जाना, नहीं तो मेरे लेट में आना। देखिए इनके लिए भी 50% आया। 2024 चंद्रपुर की नई खासदार प्रतिभाजी धानोरकर रहेंगी क्या, तो खुल जाना, नहीं तो मेरे लेट में आना। प्रतिभाजी धानोरकर की जीत तय दिख रही है और जीत भी बहुत अच्छे मतों से होने वाली है। 2024 अमरावती लोकसभा मतदार संघ की नई खासदार नवनीत जी राणा रहेंगी क्या, तो खुल जाना, नहीं तो मेरे लेट में आना। देखिए आज भी मशीन 70-75% जाके रेट है। 2024 के नए खासदार दिनेश जी बूब रहेंगे क्या, तो खुल जाना, नहीं तो मेरे लेट में आना। ये लीजिए मशीन को मैं पूछने जा रहा हूँ कि वर्धा लोकसभा के नए खासदार रामदास तड़स रहेंगे क्या, तो खुल जाना, नहीं तो मेरे लेट में आना। देखिए वर्धा लोकसभा के लिए 40-50% रामदास तड़स जी के पास जा रही है। 2024 यवतमाल वाशिम लोकसभा में संजय देशमुख इस बार के नए 2024 के खासदार रहेंगे क्या, तो खुल जाना, नहीं तो मेरे लेट में आना। यवतमाल वाशिम लोकसभा मतदार संघ 2024 में नई खासदार राजश्री महाड़े पाटिल रहेंगी क्या, तो खुल जाना, नहीं तो मेरे लेट में आना। तो राजश्री महाड़े पाटिल के लिए इस बार का इलेक्शन मेरे ख्याल से वो नहीं बन सकती। श्री गुरुदेव दत्ता क्या 2024 अकोला लोकसभा मतदार संघ में अनूप संजय धोत्रे ये अकोला के नए खासदार रहेंगे क्या, तो खुल जाना, नहीं तो मेरे लेट में आना। 2024 अकोला लोकसभा मतदार संघ में अभय पाटिल ये अकोला के नए खासदार 2024 के रहेंगे क्या, तो खुल जाना, नहीं तो मेरे लेट में आना। अकोला लोकसभा 2024 में प्रकाश आंबेडकर ये अकोला के नए खासदार रहेंगे क्या, तो खुल जाना, नहीं तो मेरे लेट में आना। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।